खबर मोहल्ले में आपका स्वागत है। अभी आप बोकारो के इतिहास के 14 नंबर वार्ड में हैं, जहां नाली और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पानी का जलजमाव है और इससे लोग जो है काफी यहां के लोग जो रहने वाले हैं वो काफी परेशान हैं और कहां कहां गुहार लगाए हैं और किस तरीके से यहां समस्या है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है यहाँ पर 14 नंबर वार्ड में क्या है। 14 नंबर वार्ड में इतनी समस्या है कि आदमी जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रही है। आप चारों तरफ अपना कैमरा से घुमा के देख लीजिए कि डायरिया और मलेरिया के लिए नगर निगम आगे कुआं खोद चुका है। यहाँ का लोग मरे जैसे जिस स्थिति में रहे उसको एक पैसा का कभी नहीं है। आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, आते हैं, हमको लगता नगर निगम नहीं वो नरक निगम बन चुका है। और अन्य पेपर में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और विकास के नाम पर एक खोखला पेपर में निकलता है, आप पेपर में ही रह जाता है। ये थे यहाँ के जो लोग थे, रहने वाले जो समस्याएं रख रहे थे। आइए हम दूसरे और लोग जो यहाँ के हैं उनसे भी हम जानते हैं। ये वार्ड नंबर 14 है। वार्ड नंबर 14 में समस्या ये है कि चारों तरफ जल जमाव का पड़ा हुआ है और गंदगी का मवार है। आज आए दिन अखबारों में भी छपता है कि घर का कूड़ा घर में रखे गाड़ी जाएगी उठाने के लिए, मगर आज तक से नहीं हमको लगा है कि कभी गाड़ी भी आई है। और नरक निगम बना करके इन लोगों ने केवल लूट हसोट का काम किया है। यहाँ जनता का कोई भी काम नहीं हुआ, केवल झूठे वादे हुए हैं। स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा जाता है मगर स्मार्ट नहीं, नर्क सिटी बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये 14 नंबर वार्ड है और इसका स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ गाड़ी तो दूर, आदमी के चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, तो कूड़ा उठाने वाला गाड़ी कहाँ से आ पाएगा। यहाँ पानी जमा हुआ है, मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, लोग हॉस्पिटल जाएंगे, मरेंगे। यही विकास के नाम पे काम यहाँ हो रहा है। विधायक आते हैं अपना वादा करते हैं, सांसद आते हैं वादा करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप लोग पूरा देख रहे हैं घूम फिर। और यहाँ वार्ड पार्षद भी हैं यहाँ के, बाकी ये समस्या खुद बताएंगे कि आखिर यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है। और वार्ड का वार्ड सदस्य भी है लक्ष्मण प्रसाद जी, हम उनसे जानते हैं कि आखिर समस्या इतना विकराल रूप कैसे हो गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो इलाका है, निचला इलाका है, सभी वार्डों का पानी हमारे वार्ड में घुस रहा है और ये समस्या हमको लगता है कि आने वाला 15-20 साल से यही कंडीशन यहाँ पे है। हम लोग चुनाव जीते हुए 1-1.5 साल हुआ, बार बार नगर निगम को हम लोग लेटर पे लेटर लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पे रोड और नाली का बहुत ज्यादा समस्या है और उसको कम से कम फंड ला के बनाने का कृपा किया जाए। फंड का रोना रोया जा रहा है सब जगह से। हम लोग नगर विकास मंत्रालय को भी लेटर दिए हुए हैं, माननीय मंत्री जी सीपी सिंह जी भी आए हुए थे, उनको भी ज्ञापन दिए थे कि यहाँ पे रोड और नाली का बहुत ज्यादा जरूरी है और अपना फंड कुछ यहाँ नगर निगम को बढ़ाइए ताकि हम लोग रोड और नाली बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आश्वासन नहीं मिल रहा है कि ठीक है फंड आएगा उस समय हम लोग आप देख के आपके वार्ड में रोड और नाला बनवाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग जितना हो रहा है नगर निगम के द्वारा अभी जेसीबी मांग करके नाली उली कटवा के पानी निकालने का उपाय कर रहे हैं। फंड हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहेंगे कि जो है फंड किसी हाल में बढ़ा के भेजिए रोड का और नाला का, ताकि ऐसा स्थिति और भी जटिल हो चुका है, हर एक वार्डो में यही स्थिति है। तो ये थे वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य जिनका कहना था कि ये जो समस्या है उसका समाधान के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज 15 से 20 साल तक ये समस्या बना हुआ था तो इसके बाद भी आज समस्या बना हुआ है जस का तस, तो समस्या का आखिर समाधान क्यों नहीं हो रहा है। रोड और जो यहाँ का बिजली, यहाँ का व्यवस्था, जो पानी का जलजमाव है जिसके चलते लोगों को डर है कि जो डेंगू का है वो प्रकोप कहीं यहाँ फैले तो फिर यहाँ जो महामारी का रूप ले सकता है, तो ऐसे में जलजमाव की निकासी यहाँ मुख्य समस्या है। साथ ही जो रोड की समस्या है वो भी काफी गंभीर है, रोड भी नहीं बना हुआ है, स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उससे कपड़े भी गंदे हो जा रहे हैं जिसके चलते वो एब्सेंट हो रहा है स्कूल से, तो समस्या काफी गंभीर है। लेकिन सवाल है कि आखिर नगर निगम चुप क्यों है और नगर निगम कब तक चुप रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो।